यस तो देखो जैसे मान लो ये किसी का लेग है, ठीक है, ये एक पैर पीछे की साइड होता है और एक पैर आगे की साइड होता है, तभी हम चल पाते हैं। तो जब ये इसका पैर है इस तरीके से, ठीक है, तो जब ये इसका पैर होगा तो ये इस तरीके से धक्का मार रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि पैर कैसे बनाया, ऐसे ही होता है मान लो तुम लोगों का पैर। तो ये जब इस तरीके से ऐसे धक्के की साइड मारा जाएगा तो ये बताओ टेढ़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ या वर्टिकल हुआ? ऐसे तो धक्का मारते हो जब तुम पीछे की साइड, कभी स्लो मोशन में चल के देखना तो तुम टेढ़ा ऐसे वर्टिकल वर्टिकल हुआ ये मैम पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, मतलब तो ऐसे कहे तो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल भी तो लोग बोल सकते हैं, इंक्लाइन टाइप का। इंक्लाइन टाइप का है, राइट। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ राइट नाउ, अगर मैं नीचे की साइड बैठा हूँ तो मेरा वेट जो है वो एम जी नीचे लग रहा है, वेट का फॉर्मूला हमेशा एम जी होता है, तो मेरा वेट नीचे की साइड लग रहा है। तो अगर मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ, मैं इस पे बैठ गया हूँ, तो ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा होगा, वो क्या है? से नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, फोर्स बोलते हैं वो, देखो वो क्या कह रही है, सॉरी ग्रेविटी। वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ तो नॉर्मल नॉर्मल फोर्स है मेरे पास, तो ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और अगर वो स्ट्रांग हुआ तो वो नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब मेरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की साइड लग रहा है, एक नीचे की साइड लग रहा है, और मैं बैलेंस हो गया हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं कि सर मेरे को तो नहीं लगता कि कोई नीचे से फोर्स आ रहा है। अरे तुम्हें कोई फील नहीं होता है, फिजिक्स में हर चीज का रीजन होता है। अब तुम फील नहीं कर पा रहे तो वो अलग बात है, तुम सोफे के ऊपर बैठे हो, सोफे को कितना पेन हो रहा है या कितना फेस कर रहा है वो तुम्हें थोड़ी फील होगा। तो इस तरीके से सोफा तुम्हारी बॉडी के ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से तुम नीचे नहीं गिर रहे। अगर ऊपर नॉर्मल फोर्स होता ही नहीं तो तुम नीचे की साइड नीचे गिर जाते, ठीक है। नॉर्मल है तभी की तभी वो नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो इस नॉर्मल को कुछ लोग एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ लोग एन से। अब जरा मुझे एक बात बताना, जैसे मान लो ये एक मेरे पास बुक है, एक बुक को मैंने टेबल पे रखा हुआ है, तो जरा बताना इसका वेट कहाँ लगेगा? टेबल हाँ मतलब नीचे की साइड, राइट। पे अच्छा तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या लगता है? आर, एम आई राइट एवरीबॉडी? यस ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अब जब पैर तुमने पीछे की साइड धकेला है, पीछे की साइड का मतलब एक तरह से पूरी तरीके से पीछे नहीं है, थोड़ा सा नीचे की साइड भी है, क्योंकि तुम पैर को आगे की साइड ऐसे धकेलते हो जैसे प्रोजेक्टाइल होता है। भाई पैर को भी तो तुम आगे प्रोजेक्टाइल की तरह लेकर आते हो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे करके नहीं चलना है। तुम आर्मी नहीं हो कि ऐसे पैर उठाया फिर ऐसे करके ऐसे करा, आर्मी की तरह ही बात नहीं है, नॉर्मल की बात है ना, जो तुम चल रहे हो तो ऐसे से करके चलते हैं, तो ये वो टेढ़ा होता है। तो तुमने एक अपना पैर पीछे की साइड अगर किया है, तो इसका मतलब इसका वेट अभी एक तरह से यहाँ पे गया एम जी, राइट। भाई पैर ऐसे करके चला गया, तो जरा बताना इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर बिल्कुल। तो अगर मान लो ये एक तरह से इसने फोर्स पीछे की साइड धकेला है, ये फोर्स है, मान लो कि तुमने जमीन पे एक पीछे की साइड फोर्स मारा, उतने ही फोर्स से तुम आगे जाओगे, तो ये मेरे पास क्या है, एक तरह से ये नॉर्मल आया है। तो नॉर्मल इस तरीके से आएगा, तभी तो तुम्हारा पैर फिर उठ जाता है, जितना फोर्स उतना ही एक्शन, एफ फॉर एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये नॉर्मल आया है, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आया, तो तुम्हारा पैर ऐसे तो चलता है बाद में पीछे खिसकने के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, इसके दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं क्या नॉर्मल के? देखो एक नॉर्मल वो तुमको आगे ही बढ़ाएगा और तुम्हारे पैर ऊपर भी होता है, तो इसका मतलब अगर मान लो ये थीटा होगा, और अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जिसके साथ थीटा होगा वो क्या बन जाएगा? cos थीटा बिल्कुल, जो सीधा जा रहा है, मतलब अगर वो आगे बढ़ रहा होगा तो वो आर कॉस थीटा के ऐसे बढ़ रहा होगा, और अगर वो उछल रहा है थोड़ा सा उस टाइम भागने के टाइम पे, तो वो r किसकी वजह? sin थीटा इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट के, नॉर्मल के भी कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि चलते टाइम यूज होते हैं, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और वो हम इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबडी, कार्तिक, आस्था, नो सर, ठीक नो है। सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले जब बैलगाड़ी थी, एक बार जब तुम गाँव गए थे, तुमने देखा होगा, तुम उस पर बैठे थे बुग्गी पे, तो वो जो होता है घोड़ा टांगे वाला जो होता है, ठीक है, तो मान लो कि ये टांगे वाला है, ठीक है, सपोज कर लो, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज। अच्छा मान लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स एंड कार्ट बोल सकते हैं क्या? हॉर्स एंड कार्ट। तो मान लो हाँ ये मेरे सर, पास बुलक कार्ट एक, होगी ना सर? ठीक है भाई, ठीक है बोल दो, भैंस वाला लेना तो वाला ले लो, ठीक है, तुमको पता होगा ज्यादा, तुम गाजियाबाद से आते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास है, हाँ सर, वहाँ तो सर सब देखा हमने हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, सर, वहाँ नहीं है हाँ। सर, गाजियाबाद सिटी है सर पूरी अबे गाजियाबाद में भी कुछ जगह पे है, तूने पूरा सर, गाजियाबाद हम थोड़ी वहाँ नहीं देखा है, रहते ना सर, हम गाजियाबाद में बहुत सारे एरिया गांव टाइप के भी हैं, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास, हाँ हाँ मैं समझ गया सर उन्हें तू वहां के नहीं, आउटस्कर्ट्स बोलते हैं सर। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो ये पीछे एक ऐसे कार्ड है, मतलब एक बुग्गी टाइप की सी है, ठीक है, ऐसे,
काट है, और ऑफ कोर्स इसके पहिए भी होते हैं, पहिए के बिना थोड़ी चलेगी, तो मान लो ये इसके पहिए हैं। सर कुछ ज्यादा नीचे पहिए नहीं बनाती? अरे अब हो गया ना थोड़ा सा, इतना एडजस्ट कर लो। मशीन भी लगी होती है ना ऐसे करके, ऐसे आपका तो सब आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे है और ये आगे घोड़ा है, ठीक है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। मान लो ये आके ऐसे करके एक घोड़ा है, मिस्टर इंडिया घोड़ा, ये ऐसे करके एक घोड़ा है इस तरीके से, ठीक है। सर बहुत अच्छी ड्राइंग है, बहुत गंदी से क्या करूं मैं। ठीक है, तो ये मान लो एक घोड़ा है, घोड़ा कम पिक ज्यादा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं तो मुझे वेल लग रही है। हाँ, आगे से डॉल्फिन टाइप्स। ठीक है, तो मान लो ये जो भी है एक अच्छे नए जमाने का है ना, इसकी पूंछ भी है, तो लोग लोगों का ये पूंछ है। इसके मुंह से क्या निकल रहा है? ये वो निकलता नहीं है, सवे सवे देखा नहीं है जब गाय जा रही होती है, तो वो स्टाइल मार रही है ना ऐसे, देखो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये चल रही है मान लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखो ये चलती कैसे एक्चुअली में, देखो अब ना यहाँ पे मान लो कि हमने एक रस्सी बांध रखी है, या रस्सी या कुछ लोग ऐसे लोहे की या लकड़ी के डंडे से ऐसे वो बांध के रखते हैं ना, ताकि आगे चलेगी तो पीछे वाली वो भी चलती है, उनके उनके गले में ऐसे टांग देते हैं ना, देखा है वो? Yes, अरे कार्तिके, जो गाय होती है उसे गले में लगाते हैं ना वो, और जब वो चलती है तो वो उसका जो कुबड़ जो निकला होता है सर, आप और मैं एक दिन देख तो रहे थे सर, साथ साथ देखा। ठीक है, तो वो इस तरीके से चल रही है, अभी दिखा देंगे वैसे हम। ठीक है, तो ये इस तरीके से गाय अगर चल रही है तो देखो एक्चुअली ना जो भी रस्सी होती है ना, तो रस्सी के अंदर जो फोर्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। सारे बच्चे याद रखना, ठीक है, रस्सी के अंदर जो मेरे पास फोर्स आता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने रफली बनाई है, भैंस बनना मैं बहुत अच्छी भैंस बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है इतना, तो इसीलिए टेंशन का मतलब तो घोड़ा था ना पहले लेके। हाँ हाँ, जो भी है ये एक एक वो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको खींच रहा है, ठीक है, बस बैक्टीरिया नहीं है, इंसान भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे करके तो ठीक है। तो ये मेरे पास रस्सी के अंदर जब भी रस्सी खींचती है, जैसे मान लो ये मैंने बोला, ये क्या अभी इसके अंदर कोई टेंशन है? नहीं, लेकिन अब मैं इसे खींच रहा हूँ ऐसे, क्या अब इसके अंदर टेंशन आ गई? हाँ। बिल्कुल, जैसी एकदम सीधी इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके अंदर टेंशन है, और टेंशन हमेशा हर एक पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट होती है, इसलिए वो कभी टूटती नहीं है। सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास ऐसी टेंशन है, तो देखो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, कोई भी रस्सी होती है ना, यहाँ की टेंशन बराबर है इसलिए टूट नहीं रही, यहाँ की टेंशन बराबर है इसलिए टूट नहीं रही, यहाँ की टेंशन बराबर है इसलिए टूट नहीं रही। लेकिन जैसी मान लो तुमने एक कोई हैवी वेट लटका दिया, मान लो रील होती है, रील पे एक लड़की ने मान लो ईंट बांध दी एक और उसे ऊपर लटका दिया, तो वो नीचे गिर जाती है। क्यों ऐसे नीचे क्यों गिर जाती है? क्योंकि नीचे वाली टेंशन क्या हो जाती है? ज्यादा, और ऊपर वाली टेंशन क्या हो जाती है? कम, इसलिए वो रील टूट जाती है। समझ में आया? नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया ना ईंट को टांगने से, तो टेंशन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लगती है। ठीक है सारे बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये चीज देख पा रहे हो, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या बोला अभी। हाँ, तो ये मान लो वो मेरे पास रस्सी है, ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये इस पे बांध रखी है हमने ऐसे, ठीक है, और ये लेके जा रहा है ऐसे। तो अब इसके अंदर ना एक टेंशन आई है, टेंशन एक डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है, दोनों डायरेक्शन में। तो मान लो अगर ये ऐसे करके अगर एक टेंशन लग रही है तो इसके अपोजिट भी लग रही होगी टेंशन, राइट? तो अपोजिट लग रही है अगर दोनों दोनों इक्वल है तो ये खींचेगा या टूट जाएगा? अगर दोनों इक्वल अपोजिट खींचेगा, टूटता कब है? जब एक साइड ज्यादा हो जाए, मान लो अगर ये बुग्गी ज्यादा होती, ये कार्ट हैवी होता तो वाला टेंशन ज्यादा होता, और अगर भैंस जाती जिसे खींचती तो माइनस टी ज्यादा होता तो भी टूट जाता, तो अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो खींच पाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा, अभी मैंने बताया जब ये भैंस भाग रही होगी या ये घोड़ा भाग रहा होगा तो वो अपने पैर को पीछे कैसे धकेल रहा होगा, सीधा, वर्टिकल या टेढ़ा? अभी बताया था मैंने थोड़ा सा टेढ़ा खींच रहा होगा, राइट? तो इसका मतलब ये अपने पैरों को ऐसे टेढ़ा मार रहा होगा ना, तभी तो ये आगे की साइड कूद के आएगा, आगे की साइड। तो ये इसका मतलब जो घोड़ा है या जो भैंस है या जो गाय है, ये एक तरह से पीछे की साइड फोर्स लगा रही है, राइट? कैन आई से इट इज अ फोर्स, अप्लाइड फोर्स इस साइड, अपने ये सारे सारे पैरों को ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे पीछे की साइड, नहीं एनालाइज कर पा रहे, कभी देखा नहीं है क्या कि कैसे चलती है गाय भैंस?
स्नेहा आस्था यस सर ये इस तरीके से अप्लाइड फोर्स लगाया इन्होंने अपने पैरों से ठीक है अच्छा अगर ये भैंस है तो भैंस का वजन कहाँ लग रहा होगा नीचे या ऊपर नीचे सर किसी का भी वजन किसी का भी किसी का भी होगा किसी का भी वेट होगा मैं भैंस कह रहा हूँ हाँ तो वो हमेशा क्या लगता है नीचे ही लगता है ठीक है तो किसी का भी वेट होता है वो हमेशा नीचे की साइड लगेगा ठीक है भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है अब मुझे एक बात बताओ ये अगर वेट इसका नीचे लग रहा है तो इसका नॉर्मल कहाँ जा रहा होगा ऊपर पक्का तो ये जो मैंने एरो बनाया है तो इसका मतलब अगर ये इसका वेट नीचे की साइड है और ये भैंस धस नहीं रही जमीन में तो जमीन स्ट्रांग है और जमीन स्ट्रांग है तो वो इसको क्या प्रोवाइड कर रही होगी एक नॉर्मल फोर्स यहाँ तक कोई भी डाउट है एक है वेट मुझे एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पे मैं बैठा हुआ तो मेरा वेट हमेशा नीचे लग रहा है राइट लेकिन जो भैंस है वो भैंस अपने पैरों की हेल्प से पीछे की साइड धक्का मार रही है जमीन के ऊपर तो वो पैरों से जमीन की साइड धक्का मार रही है तो वो उसका वेट थोड़ी है वो तो वो एक्स्ट्रा फोर्स दे रही है ना आगे बढ़ने के लिए एक्शन रिएक्शन करवाने के लिए आया समझ में स्नेहा तो ये वाला फोर्स वो अपने पैरों से दे रही है ताकि वो पीछे धक्का मारे तो आगे हो जाए और ये उसका ऑटोमेटिकली वेट है वो कितनी भारी है तो भारी तो हमेशा नीचे लगी साइड लगेगा राइट कोई डाउट है इसके अंदर ठीक है अब मुझे एक बात बताओ सर इसे ध्यान से सोचना एक्चुअली में जो इसने अभी हमने देखा था एक सेकंड पहले जरा देखो ये जब अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हमने लगाया तो जरा बताना नॉर्मल कहाँ लगा था ऊपर ऊपर लगाया नॉर्मल या मतलब ठीक उसके अपोजिट यस अपोजिट ठीक उसके अपोजिट लगाया नॉर्मल 45 डिग्री पे हां 45 नहीं मतलब कितना भी हो सकता है बोल सकते हैं कि हमने कितना एप्रोक्सीमेट 45 बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट तुम बोल दोगे कि हमेशा 45 ये नहीं बोल सकते नहीं अगर अगर हम 90 लेके चल रहे हैं ना तो हां ठीक है फिर तो ये मेरे पास इस साइड फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इसका नॉर्मल इस साइड लग रहा होगा एम आई राइट तो इस भैंस का जो नॉर्मल है या इस डॉल्फिन का जो नॉर्मल है वो आर ऐसे लग रहा है अच्छा मुझे एक बात बताओ इसके भी तो दो कॉम्पोनेंट होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेरी गुड तो एक मेरे पास ये एक आर अगर ऐसा लग रहा है तो एक इसका वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा जरा बताना अब एक बार सारे बच्चे ध्यान रखें इस इमेज को एकदम मन के अंदर बिठा लें अगर ये आर है मान लो ये मेरे पास थीटा है तो ये आर कितना हो जाएगा जरा बताना एक बार आर कॉस थीटा तो इसका मतलब एक है मेरे पास r cos थीटा क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दूं यस सर और एक मेरे पास यहां पे क्या लगेगा r sin थीटा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ अगर ये भैंस आगे बढ़ रही है अगर ये भैंस आगे बढ़ रही है तो क्या ज्यादा होना चाहिए क्या h ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए h बताओ मुझे सर क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया मुझे ठीक है कोई बात नहीं अभी जो हमने ये चीज बनाई है जो तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की देखो एक अगर तुम साइंस के बच्चे नहीं हो ठीक है तो साइंस के बच्चे नहीं हो तो तुम्हें तुम देखोगे अरे एक भैंस जा रही है पीछे बुग्गे जा रही है चलो बैठो एंजॉय करो और शोर मचाओ ठीक है और पिक खींचो सेल्फी की सेल्फी विद भैंस ठीक है आई एम एंजॉयिंग अ लॉट तो वो है आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों की आदत ठीक है इस तरीके से क्योंकि वो ये सब चीजें सोच नहीं पाते हैं मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ ठीक है हाँ अब जिसको जो बुरा लगे तो लगे अब मेरे पास तुम साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो तुमको ये चीज एंजॉय नहीं करना इतना तुमको ये चीज देखनी है कि अगर इसे पैर ऐसे पीछे की साइड कर रही है तो इसका मतलब वहां पे अप्लाइड फोर्स हुआ इस भैंस का वेट ऐसे नीचे की साइड हुआ ठीक है और जब ये आगे बढ़ रही होगी तो अगर आगे फाइनली देखो अभी रुकी हुई है तो सारी चीजें बराबर थी लेकिन अब जब भैंस आगे की साइड बढ़ रही है तो रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है आगे की साइड जा रहा है ना रिजल्टेंट तो इसका मतलब ये जो h cos थीटा है ये आगे की साइड बढ़ेगा तभी तो भैंस आगे बढ़ेगी ये जितने मैक्सिमम फोर्स हैं वो हमने दिखा दिए अब अगर तुम बोल लो कि भैंस आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ रही है तो वो बताना तो जीत किसकी हो रही है एच की जीत हो रही है वी की जीत हो रही है टी की जीत हो रही है किसकी हो रही है एच की और एच एच कब होगा इसका मतलब एच ज्यादा रहा होगा अच्छा सर मुझे ध्यान सुने अब जब ये जो है मेरे पास ये कार्ट व्हील और रोड भी तो होगी नीचे तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी तो होता है फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है या सपोर्ट करता है तुम्हारे चलने में अपोजिट फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट रहता है जहां पे तुम चलते हो ठीक है उसको अपोजिट तो ये फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की साइड ऐसे राइट ठीक है भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी एक वायर में टेंशन होती है टेंशन हमेशा अपोजिट मतलब इक्वल एंड अपोजिट होती है अब जरा एक बात बताओ अगर ये भैंस आगे बढ़ रही है ठीक है तो ये एच है
और ये जो टेंशन है हम इस टाइम पीछे वाली टेंशन को लेके चलते हैं, ये वाली टेंशन भाई पूरी वायर में एक ही टेंशन है, वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए वो रस्सी टूटती नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक ना कुछ टेंशन है, यस और नो? तो वो भैंस अगर आगे बढ़ रही है तो बताओ टेंशन ज्यादा हुई या एच ज्यादा हुआ, ये बताओ। एच ज्यादा हुआ। अच्छा मान लो अगर भैंस पीछे हो जाती तो क्या ज्यादा होता? टी ज्यादा होता। तो टी ज्यादा हो जाता। मान लो अगर कार्टव्हील हवा से ऐसे चलने लग गई और भैंस ऐसे पीछे हो रही है कि मुझे कौन खींच रहा है, तो अगर भैंस पीछे होती जा रही तो उस टाइम पे क्या ज्यादा हो गया? टेंशन ज्यादा हो गया और एच कम हो गया। एच कम हो गया। इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को? Yes. अच्छा आज yes, था ये भैंस आगे चल नहीं पा रही, ये बहुत कोशिश कर रही है कि चलो चलो चलो, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही, वो दो चार उसने वो लगाए भी चट चट, लेकिन तब भी नहीं बढ़ पा रही। इसका मतलब वहाँ पे दो चीजें, क्या कंडीशन लग गई होगी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही? सोचो, जो पीछे सामान रखा है वो बहुत भारी है। अच्छा तो अब ये तो चलो ठीक है, ये तो अगर मैं किसी आर्ट्स के बच्चे से पूछता तो वो भी यही बोलता है कि बहुत भारी सामान है इसलिए आगे नहीं बढ़ रही। अब साइंटिफिकली सोचो, साइंस के बच्चे हो तो क्या चीज आपस में इक्वल हो गई होंगी? फ्रिक्शन और नहीं, r sin थीटा और r cos थीटा। अच्छा नहीं, ये h ज्यादा हो गया। हां और एक भाई एक सेकंड कार्तिक, तुमने r sin थीटा क्यों बोला? पहली बात v से मतलब ही नहीं है अभी। सर मैंने साइंस लगाई ना। सर साइंस लगाओ तो ये साइंस यहां पे लगाओगे ऊपर लगाओगे, इसके अपोजिट लगाओ ना। तुम पता है साइंस कैसे लगा रहे हो? ऐसे और ऐसे, ये अपोजिट कहां हुआ? तुमने बोला आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ये एक ऐसे है एक ऐसे, तो ये अपोजिट कहाँ हो गया? कैसे साइन से? साइंस तो ये होती है ना कि एक ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों इक्वल हो गए तभी तुम कहीं नहीं जा रहे। तो कोई तुमको यहाँ से 50 से खींचे तो तुमको यहाँ से 50 से खींचे, तुम कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। तो वही तो कह रहा हूँ, तो आर कॉस थीटा और टेंशन को देखोगे ना, आर साइन थीटा कैसे ले लिया तुमने बीच में? वो तो ऊपर है, उसका तो कोई रिलेशन नहीं है, भैंस उड़ थोड़ी है हवा में। सर हो जाती है सर गलती सर। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है एवरीबडी? So, तो अगर अगर भैंस नहीं चल पा रही आगे तो यहाँ पे दो फोर्स आपस में इक्वल है, आर कॉस थीटा और टेंशन दोनों इक्वल हो गए हैं। सर मेरे एक सवाल आया सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अभी आपने बोला कि सर दोनों साइड की अगर टेंशन इक्वल है तो सर जब ही सर वो क्या बोलते हैं हमारी जो रस्सी है टूटेगी नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं टूट रही, बिल्कुल सही। और सर अभी अभी आपने जस्ट पूछा कि जो ये हमारी गाय या जो भी है सर ये आगे क्यों नहीं चल रही? सर क्योंकि जो वजन है वो ज्यादा है तो मतलब टेंशन उस साइड की तरफ ज्यादा है, मतलब सर है ना सर? भाई अगर टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो ये पीछे बढ़ने लग जाएगी। तो सर अभी क्या स्टेट है फिर? एक सेकंड, तुम दो सिचुएशन को कंबाइन करो। पहली बात ये पूरी रस्सी, एक सेकंड, हाँ पूछूंगा, पूरी रस्सी में टेंशन आपस में इक्वल अपोजिट है इसलिए रस्सी टूट नहीं रही है, बस ये एक बात खत्म हो गई है। अब ये पूरा का पूरा मिलके अपने आप में रस्सी में एक टेंशन है, उसकी बात कर रहे हैं अपने आप। पूरी एक रस्सी है मेरे पास ये, तो इसके अंदर एक टेंशन है 25 इक्वल अपोजिट इक्वल अपोजिट इक्वल सॉरी हर पॉइंट पे इक्वल अपोजिट है, तो उसकी पूरी टेंशन 25 है अभी। अब ये वाली टेंशन और आगे जो भैंस खड़ी है उसमें अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब ये पूरी टेंशन 25 और ये पूरी भैंस जो है इसका आगे का फोर्स ये इक्वल हो गया है, तब भी ये भैंस इस रस्सी को इस पूरी कार्ड को खींच नहीं पा रही। अब ये दूसरी बात है, आया समझ में? हाँ, अब बोलो। हाँ बोलो स्वास्तिका, ये क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? अगर समान लीजिए f ज्यादा और t कम है तो फिर तब भी ब्रेक नहीं होगा। f मतलब फ्रिक्शन? नहीं, h ज्यादा है और t कम है, मतलब हाँ, तो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ते समय क्या सिचुएशन रही होगी सर रोप के साथ? आगे बढ़ते आगे बढ़ने पे h से कम t है और h ज्यादा है, h आगे जा रहा है। हाँ आस्था तुम कुछ पूछ रही थी अभी? सर ये r cos थीटा वाला फिर से एक बार समझा दीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो उसने, यहाँ तुम भी बोलो। एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं अच्छा आ गया था। अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो मेरे पास अगर जब भी तुम ऐसे लेग को पीछे धक्का मारते हो, जब तुम ऐसे एक कुत्ते को देखो, कुत्ता ऐसे भाग रहा है बड़ी तेज, कभी किसी को भाग देखा है कुत्ते को भागते हुए? तो वो पैरों को ऐसे स्लो मोशन में पीछे की साइड करता है, तो जब वो ऐसे पीछे की साइड करता है तो आगे की साइड क्या होगा? आगे की साइड नॉर्मल आएगा, ठीक है? तो ये नॉर्मल आ गया आगे की साइड, ये रहा। तो यहां से ये जो एंगल है, तो एंगल ये अगर आ रहे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? आर कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये मेरे पास क्या होगा? आर साइन थीटा। हमेशा यही होता है भाई, ठीक है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो तुम यहाँ पे एक रस्सी को खींच रहे हो ऐसे, ठीक है, या तुम एक रस्सी को पुश कर रहे हो ऐसे, तो एक रस्सी को अगर तुम ऐसे पुश कर रहे हो तो तुम एक्चुअली में टेढ़ा पुश कर रहे हो इसको ऐसे,
तो अगर ये थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या बन जाता है, आर कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल क्या बन जाता है, आर साइन थीटा. ये होता है, एक्सेप्ट करो. ठीक है, आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा. Yes, sir. और जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, उसको वीडियो दिखा देंगे अभी एक अच्छी वाली, तो उससे और समझ में आ जाएगा. अब देखो मेरे पास क्या है, सर्वे ध्यान सुनना. अपना एक कंडीशन याद रखो हमेशा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर मेरे को कोई यहाँ से 100 से खींच रहा है, उसको कोई 100 यहाँ से खींच रहा है, क्या मैं चल पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल. अभी 100 को समझो कि ये टेंशन है, ये रस्सी है, टेंशन है. 100 यहाँ पे, 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 ये रस्सी टूट नहीं रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल टोटल फोर्स कितना बन गया? इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो मैं तो इसका मतलब, अब देखो वो 100 आपस इक्वल अपोज है, ये अलग केस बात है, और ये पूरा 100 और ये पूरा 100 आपस में इक्वल है, ये भी एक दूसरी बात है, राइट? दोनों को कंबाइन मत करो. ठीक है, रस्सी नहीं टूट रही क्योंकि सारी टेंशन इक्वल है. अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान लो इस साइड मेरे पास ये रस्सी रही थी, इस साइड ये रस्सी है, और इस साइड मान लो लोहे की रॉड से कोई मुझे खींच रहा है इधर की साइड. अब मुझे एक बात बताना, अगर अब यहाँ पे मेरे पास लग गया 150 का फोर्स जो लोहे की रॉड है, और ये मेरे पास रस्सी है 100 के फोर्स से इधर की साइड खींच रही है, तो मैं किस साइड जाऊंगा? लोहे की रॉड, रॉड वाली साइड. अच्छा, रॉड वाली साइड में कितने के फोर्स से जाऊंगा? 150. हाँ, 100 तो वो है ही है, तो 100 को 100 तो कॉम्पनसेट कर देगा, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? ज्यादा 50 के फोर्स से ज्यादा जाऊंगा ना, क्योंकि 100 से तो वो खींच रहा है मुझे. एम आई राइट? तो इसका मतलब बताओ एक एक्स्ट्रा फोर्स आगे नहीं आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना सारे बच्चे. देखो अब इस चीज के लिए अगर कोई भी एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो बताओ मेरे पे एक फोर्स लगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए. एम आई राइट? यस सर. तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, तो क्या मैं एम ए को 50 लिख सकता हूँ? 50 इज इक्वल टू एम ए. अच्छा, और 50 और 50 कैसे आया होगा? कैन आई से 150 - 100 या मतलब 150 - 100? कैन आई से दैट जो मेरा एम ए आया होगा? सब बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, भाई देखो, yes, मेरे पास जो रॉड से खींचा गया था वो 150 था, ठीक है, और जो रॉड वैसे खींचा था वो कितना था मेरे पास? 50, सॉरी 100 था, 100 था. तो मेरे पास ये कितना निकल के आया था? 50 निकल के आ गया. और एफ की जगह पे क्या मैं एम ए लिख सकता हूँ? तो इसी तरीके से सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अब अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन लगाऊंगा तो इक्वेशन बनानी होती है हमें हमेशा यहाँ पे. तो देखो अब इस रॉड और ये मतलब हॉर्स वाला जो केस है, तो जरा एक बात बताओ, ये अब मान लो आगे बढ़ रहा है, अब ये रुका हुआ था, अब ये मेरे पास आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो बताओ एक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, जिसे हम एम ए बोलते हैं, जिसे हम एम ए बोलते हैं, एम ए. तो अगर इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, चलो मैंने बोल दिया कि एम ए है और ये आगे बढ़ रहा है मेरे पास. अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये मोशन में आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया. अब ये आगे की साइड बढ़ रहा है तो कौन सी चीज ज्यादा है? ज्यादा है एच जाता है, और कम क्या है? टेंशन. टेंशन पीछे वाला टी कम है ना, तो इतना ही तो एम ए लगेगा, अभी यही तो बताया. ठीक है, एच कितना है मेरे पास? आर कॉस थीटा. आर कॉस थीटा, और टेंशन तो टेंशन ही है, टेंशन भी एक तरह से फोर्स होता है, और ये मेरे पास आ जाएगा एम ए. यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? H और B क्यों लिखा? B सर, R sin theta को भी नहीं लिखा अपने ऊपर. हाँ हाँ, क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट का कोई यूज ही नहीं है आगे चलने में. अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट है इसके अंदर, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट का चलने आगे चलने के लिए कोई यूज नहीं आ रहा ना. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अभी हमने कितना हिस्सा देखा है? यहां से लेकर यहां तक अभी हमने देखा इसको, ठीक है, कि टेंशन और हम हॉरिजॉन्टल को देख रहे हैं. अब मान लो मैं सिर्फ ट्रॉली को देखूं, अब ट्रॉली को देखो सारे बच्चे. अच्छा देखो, अब ट्रॉली को देखो, भैंस को भूल जाओ. अब देखो ट्रॉली के पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, जरा बताना एक बार. ये फ्रिक्शन लग रहा है, और आगे की साइड कौन सा लग रहा है? आगे की साइड टेंशन लग रहा है. टेंशन लग रहा है. अब मान लो ट्रॉली का मास कितना है? कैपिटल एम. मान लो, ठीक है, मान लो पहले ये भैंस का रहा था, अब मान लो चलो ट्रॉली का मास मान लो स्मॉल है, ठीक है. तो अगर ट्रॉली का, अब बताओ ट्रॉली आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है. अगर ट्रॉली आगे बढ़ रही है तो इसका पास फोर्स लगा कुछ ना कुछ? यस सर. तो इसके पास एम ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. अच्छा, अब जरा बताओ आगे कौन सा लग रहा है, टेंशन या फ्रिक्शन? टेंशन. टेंशन, और पीछे कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन. समझ में आया किस तरीके से इक्वेशन बनाई है मैंने?
जब तुम इस सिर्फ ट्रॉली को देख रहे हो तो आगे का फोर्स टेंशन है और पीछे का फोर्स फ्रिक्शन है, तो अब आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है तो एम ए तो लेते ही है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अब जो ज्यादा होता है उसे पहले लिखो 150 माइनस 100 जैसे अभी क्या था। ऐसे जब तुम भैंस को देख रहे थे तो भैंस को देखने में आगे वाला फोर्स कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल, और पीछे वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? देखो टेंशन दोनों काम कर रहा है, टेंशन आगे भी रहता है पीछे भी रहता है, मैंने बताया ना अभी। देखो जब तुमने ट्रॉली को देखा तो हमने आगे वाली टेंशन को यूज किया, और जब तुम भैंस को देख रहे थे तो हमने ये वाली टेंशन को यूज किया। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को भी कोई डाउट है? यस आस्था, कोई डाउट हो रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो मेरे पास, चलो मान लो एक मेरे पास है ये इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन नंबर वन है मेरे पास, और एक इक्वेशन नंबर ये मान लो मेरे पास टू है, राइट? तो मेरे पास एक ये इक्वेशन किसको देख के आई है, एनिमल को देख के या कार्ड को देख के? एनिमल, एनिमल, एनिमल। कैन आई से हॉर्स? मान लो हॉर्स था ये, ठीक है। और इसको ये इक्वेशन किसको देख के आई है मेरे पास? कार्ड को देख के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं, तो दोनों को ऐड ही कर देते हैं, काम करते हैं। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो ऊपर क्या था मेरे पास, एच माइनस टी था, देख रहे हो ना, ये इधर है मेरे पास एस माइनस टी और इधर है मेरे पास टी माइनस एफ। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एच माइनस टी प्लस का टी माइनस का एफ। ठीक है भाई, एक सेकंड। अभी ये मेरे पास क्या हो जाए, और ये क्या हो गया था मेरे पास, घोड़े का मास एम ए। अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही लगता है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि सर एक्सेलरेशन आपने सेम क्यों लिया। अरे भाई, जिस जिस स्पीड से वो घोड़ा चलेगा उसी स्पीड से वो भी चलेगा, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा लेकिन मास अलग हो सकता है। तो m प्लस का स्मॉल m इनटू a, राइट? अब जरा बताओ t से t मेरा कट जाएगा क्या? तो t से t, टेंशन से टेंशन मेरा कैंसिल आउट हो गया अपने आप ही। तो जरा बताना मेरे पास क्या आ गया, h माइनस का f इज इक्वल टू m प्लस का m इनटू में a। अब जरा बताओ मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया फाइनली, h माइनस f upon m plus m। So this is my acceleration। इसका मतलब अगर घोड़ा चल रहा होता है और घोड़ा किसको खींच रहा होता है, ट्रॉली को, तो उसके अंदर acceleration कितना निकल के आता है, तो acceleration उसके लिए निकल के आता, अच्छा ये small f है, ठीक है? तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, horizontal component overall, overall minus का f into में m। भाई ये अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने ये कैसे करा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये दोनों को तुमने यूज कर लिया, अब मान लो ये भैंस थी और ये ट्रॉली थी, अब अगर तुम इसको पूरे को टोटल मास को देखते हो, जरा बताना कितना मास बनेगा टोटल, टोटल मास कितना? हाँ, दोनों का मास m प्लस का m, तो वही तो लिखा है। देखो अब ये आगे बढ़ रहा था तो ए आएगा, समझ में आया, फोर्स बन गया ये m प्लस m इनटू में a। अच्छा अच्छा, आगे h है मेरे पास और सबसे लास्ट में क्या था, फ्रिक्शन, तो आगे कौन सा वाला है, horizontal, तो वही तो करा है। देखो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास वो आ गया ना जो हमने सीखा है, एच माइनस का एफ। जब तुम इंडिविजुअली देख रहे थे किसको, घोड़े को, तो हमने घोड़े को अकॉर्डिंग इंडिविजुअल करा, जब तुम ट्रॉली को इंडिविजुअल देख रहे थे तो हमने ट्रॉली को देख के किया, और फिर जब हमने दोनों को एक मान लिया, ठीक है, जब हमने दोनों को एक जैसा मान लिया तो भी मेरे पास वही निकल के आया जो हम सच में निकालते, राइट? दोनों को एक समझने के, आया सुन में? आस्था, कार्तिके, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि तो ये जो पूरी की पूरी गाड़ी है ये आगे ना बढ़ पाए, पीछे चली जाए, तो पीछे चलने के लिए क्या कंडीशन? जब टेंशन ज्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल कम होगा, या मैं भी, अगर तुम टोटल को देख रहे हो टोटल को क्या बोलना चाहिए फिर, क्या नहीं से मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा होगा और हॉरिजॉन्टल कम हो जाएगा, ठीक है भाई? यस, कोई डाउट है इसके अंदर? यस, क्या नाम है स्नेहा? नो सर। पक्का? यस सर। अच्छा, क्षितिज, कार्तिके, वैष्णवी? नो सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इजी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये तुम्हें शक्ल से एकदम डरावना लग रहा होगा लेकिन ये इतना डरावना है नहीं, बहुत बच्चों वाली बात है, ठीक है? तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो इक्वेशन, अब जब मान लो मैं तुमसे एक इक्वेशन ऐसी पूछता हूँ, ये उतार लिया सबने, चलो मान लो कि एक ये कोई भी एक एनिमल है मान लो, ठीक है, तो जरा बताना अगर ये एनिमल पीछे की साइड फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को चलो मैंने एफ दे दिया, तो जरा बताना इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा? उसके एकदम अपोजिट।
ठीक है ये मेरे पास आर है। अच्छा जरा बात बताना स्नेहा, इस आर के कंपोनेंट हो सकते हैं सर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होगा ठीक है। अगर ये थीटा है मेरे पास तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। एक्चुअली ये थीटा क्यों है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे या देखा जाए तो ये इतने एंगल पे मेरे पास इतने एंगल पे इस तरीके से थीटा बना रहा है, इसलिए हमने इसे थीटा लिया है। तो r cos थीटा और ये मेरे पास हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है अब पीछे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है अभी राइट नाउ? तो यहाँ पे तो कोई टेंशन है ही नहीं यार भाई, यहाँ पे कोई किसी को रस्सी दिख रही है? नहीं है। तो यहाँ पे इस पीछे का पीछे कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। सिर्फ फ्रिक्शन होगा ना भाई, यहाँ पे तो सिर्फ फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है चलो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन। और यहाँ पे अब जरा बताना आगे चलने के लिए, अगर ये आगे चल रहा है ठीक है, तो बताओ इसमें एम ए हो अपने आप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा एम ए। अब ये किसके बराबर होगा? H माइनस F। हाँ H को हम क्या लिख सकते हैं, R cos थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ। तो R cos थीटा माइनस का फ्रिक्शन राइट। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं इन सिचुएशंस की। ठीक है तो इस इक्वेशन से हमें सारी चीज दी जाएंगे, हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन या आर पूछेगा आर निकाल लेंगे, एफ दिया जाएगा एफ निकाल लेंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा तो ये तो चलो बहुत सिंपल सा था, ठीक है आई होप तुम लोग कर भी लोगे। यस कार्तिके तुम्हें क्या हो गया, तुम चुपचाप कैसे हो गए? सर कैसे मतलब? अच्छा ये समझ आ गया पिछले वाला पोर्शन? हाँ सर। ठीक है। अच्छा देखो अब तुमने वो तो सीख लिया है, अब ना देखो मेरे पास लिफ्ट है। जरा कार्तिक एक बात बताना, अगर तुम चेरी काउंटी की लिफ्ट में जब चढ़ते हो, जब लिफ्ट कभी ऊपर जाती है अगर मान लो थोड़ी सी स्पीड में चली गई, तो वो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वेट बढ़ गया कम हो गया या उतना ही है? सर कम हो, ओ, सर ज्यादा हो गया अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो। ऊपर जा रहे हैं तो। अच्छा जब नीचे आते हो तो सर कम लगता है, थोड़ा सा एकदम हल्का सा फील होता है ना कुछ कम हुआ एकदम? हाँ, थोड़ा सा अंदर अंदर भी कुछ चमक चमक से आती है हल्की हल्की सी? हाँ सर ज्यादा से आई थी। अच्छा ठीक है, अगर स्पीड में चली जाए तो। वैसे स्पीड है नहीं चेरी काउंटी वाली लिफ्ट की, लेकिन कुछ सोसाइटी में लिफ्ट की स्पीड बड़ी तेज होती है तो वहाँ पे अच्छा भी लगता है। ठीक है तो इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब जो चीज हमें फील होती है ना, जो चीज हमें फील होती है उसी चीज को हम क्या बोल के चलते हैं एक तरह से, अपेरेंट वेट, क्योंकि वो तुम्हारा रियल नहीं है, वो तुम्हें टेम्परली पर्टिकुलर टाइम के लिए फील हो रहा है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं अपना ये लिफ्ट वाला केस लेके चल रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट है ठीक है, और लिफ्ट के अंदर अगर तुम आके खड़े हो गए हो ठीक है, तो तुम अब भाई कुछ डाउट हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जरा बताना अगर तुम आगे खड़े हो गए तो जरा बताना कितना वेट लग रहा होगा इसका? लिफ्ट तो है, लिफ्ट के अंदर जब तुम आए तो तुम्हारा वेट कहाँ लग रहा होगा लिफ्ट के अंदर? पक्की बात है? यस सर। अच्छा अगर तुम्हारा वेट नीचे की साइड लग रहा है लिफ्ट में, तो जरा बताना तो नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? एकदम उसके अपोजिट। कहना इसे ऊपर की साइड एक नॉर्मल लग रहा होगा, तभी तो तुम रुके हुए हो ना लिफ्ट के साथ नीचे ही गिर जाते। तो अगर तुम नहीं गिर रहे हो कहीं पे सीधे खड़े हो तो इसका मतलब नॉर्मल वहां पे लग रहा है अच्छा खासा। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये कंडीशन हर टाइम पे रहेगी, चाहे लिफ्ट नीचे आए चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे लिफ्ट खड़ी हो, ये कंडीशन वही वेट तो हमेशा नीचे लगता है और आर हमेशा ऊपर लगता है। ठीक है अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि लिफ्ट मान लो कहाँ जा रही है? ऊपर। लिफ्ट इज गोइंग अप। अब मान लो लिफ्ट मेरे पास ऊपर की साइड जा रही है। अब अगर लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो जरा एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, ओवरऑल मोशन कहाँ हो गया? ओवरऑल मोशन। अबे भाई ऊपर की साइड हो गया। ध्यान सुने, एक एम जी है और एक आर है, अगर हम फाइनली ऊपर की साइड जा रहे हैं, देखो मोशन आ गया, पहली बात मोशन आया नहीं आया? अरे मोशन आ गया नहीं आया? अगर मोशन आया है तो उसके पास एम ए होगा, यस और नो? अरे मैंने बताया कोई भी चीज अगर मोशन में आ जाती है तो एम ए तो लगता ही लगता है राइट, एम ए ऐसे मैंने बताया, कोई चीज मोशन में होती है तो एम ए रहता ही रहता है राइट, देख पा रहे हो ये? यस। जब भी मोशन होगा। अच्छा अब किस डायरेक्शन में लेते हैं ज्यादा, किसको लेते हैं? आर को ज्यादा। हाँ ज्यादा उसको लेते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे आर था और एम जी, तो ज्यादा कौन सा हो गया इस कंडीशन में? आर। आर और कम वाला कौन सा है? Mg, Mg. तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा मैंने क्या बोला, ये जो R है ये एक तरह से क्या होता है apparent, मतलब नॉर्मल है। अब तुम्हें फील क्या होगा नॉर्मल वाला, तो देखो होगा क्या, इस माइनस Mg को इधर ले जाओ तो ये Ma प्लस का Mg हो जाएगा, तो ये R आ जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, Ma प्लस का Mg, सॉरी Ma प्लस का G, प्लस G।
इसका मतलब ये चीज क्या बता रहा है कि अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुम्हें mg तो तुम्हें तुम्हारा वेट होता ही होता है mg, लेकिन उसके अंदर कुछ हिस्सा और ऐड हो जाता है. वो डिपेंड किस पे करता है कि लिफ्ट कितनी तेजी से स्पीड में ऊपर गई, लिफ्ट ने कितनी स्पीड एकदम से अपनी बढ़ाई, तो वो चीज भी ऐड हो गई ना एम में. तो ओवरऑल ये टोटल ज्यादा हो गया ना. जैसे मान लो mg तुम्हारा वेट था टोटल कितना, मान लो 50, उसने एक्सीलरेशन कितने का कर दिया मान लो 2 का, और तुम्हारा मास कितने का है मान लो 5 का, तो 5 × 2 ये कितना हो गया 10. इसका मतलब तुम्हें 10 वेट और एक्स्ट्रा फील होगा, तो 50 × 10 टोटल कितना हो जाएगा वो 60, राइट? तो यही वो आर है जो तुम्हें फील होता है. समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं कि अच्छा मान लो लिफ्ट अगर जैसे हमारी हमारी लिफ्ट है सोसाइटी की, उसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, लिफ्ट एकदम धीरे धीरे चलती है, अब एकदम गाना आता रहता है अच्छा वाला टेरे आराम से एकदम, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है? तो एकदम से कुछ लोग तो सो भी जाते हैं क्योंकि टाइम लगता है पहुंचने में ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे चलती है. तो अगर मुझे एक बात बताओ, तो अगर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो क्या उसमें कभी कुछ ऐसा फील होगा वेट बढ़ गया कम हो गया? नहीं. क्यों? एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो पुट करो तो 0 × m 0 हो गया, तो r कितना आ गया mg आ गया. अरे mg तो हमें हमेशा फील होता ही रहता है. राइट नाउ अभी तुम्हें अपना वेट क्या और लग रहा है? mg तो लग रहा है तुम्हारे पे, तो कुछ फील हो रहा है क्या? नहीं, तो हमेशा लगता ही है अपना. तो हमेशा लिफ्ट में कम ज्यादा कब होगा? जब एक्सेलरेशन कुछ होगा. आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? यस सर. तो ये वाला केस किस चीज के लिए, जब लिफ्ट क्या हो रही है ऊपर जा रही है. ऊपर जा रही है. अब मान लो अब तुम्हारी लिफ्ट क्या आ रही है, मान लो नीचे की साइड आ रही है. तो इफ लिफ्ट इज गोइंग लिफ्ट इज गोइंग डाउन, तो अगर लिफ्ट अब नीचे की साइड आ रही है तो इसका मतलब बताओ, लिफ्ट अगर नीचे की साइड आ रही है तो बताओ मोशन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है. अच्छा, तो अभी भी वही सिचुएशन है, तुम यहाँ पे खड़े हुए. अरे जब लिफ्ट नीचे आते तो अगर लेट जाते हो क्या लिफ्ट में? चलो नीचे जाएगी नीचे जाएगी, डर लग रहा है. ऐसा नहीं है, वही जो जैसे आते हो स्टाइल मार के वैसे नीचे के लिए भी स्टाइल मारते हो. तो ये वेट कहाँ लग रहा है? mg नीचे. और ये कहाँ लग रहा है मेरे पास? आई मीन आर लग रहा है, ऊपर लग रहा है. ठीक है, आर हमेशा ऊपर लगता है. अब बताओ लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर या नीचे? नीचे जा रही, तो नीचे जा रही है. तो बताओ एम ए मोशन में है तो एम ए लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा. ठीक है, मोशन में तो एम ए लिखना पड़ता है. अब ज्यादा कौन सा हो गया, एम जी या आर? एम जी ज्यादा हो गया, क्योंकि अब नीचे जा रहा है तो हम किसके टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, आर के एम जी के? एम जी के. तो अब हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम जी. एम जी माइनस और माइनस कार, क्योंकि आर कम है, हम ऊपर थोड़ी जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या होता है हमेशा? आर. आर क्योंकि आर ही तो है जो फील होता है. अच्छा, तो आर को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? mg माइनस ma, राइट? क्या ये वही है जो हमें फील करना था? देखो तुम्हारा वेट क्या होता है, mg, mg है, और इस बार क्या आया? माइनस का ma. अगर लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे जाएगी तो तुम्हारा वेट एकदम कम हो जाता है, राइट? जैसे मैंने बोला कि मान लो उसने एक्सीलरेशन कितना करा, 2, तुम्हारा मास कितना है 5 का मान लो, तो ये 10 हो गया. तो अब तुम्हें कितना फील होगा? 50 माइनस 10 40. तो अब तुम्हें कितना फील हो जाएगा वेट? 40. तुम्हारा वेट कम हो गया, तो उस टाइम पे तो फीलिंग आती है ना कि अरे भाई क्या हुआ, एकदम से अंदर कुछ फील होता है, कुछ कुछ लगा हल्का सा. ठीक है ना? तो वो क्या है मेरे पास? mg मतलब ये ले लेते हैं mg माइनस a. तो ये मेरे पास क्या है, जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे की साइड जा रही है. वैष्णवी को समझ में आ रहा है या ऐसी? सर आ रहा है. आस्था, माइका कुछ बोल नहीं रही हो आज तुम? माइका ने सर छोड़ दी क्लास. है यहाँ पे माइका तो है ही नहीं क्लास में? वेरी गुड, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्या करें हम. कार्तिके, तुम्हें समझ में आया है क्या बोला मैंने? हाँ सर. अच्छा अच्छा कार्तिके, एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि लिफ्ट रेस्ट में है, तो अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो फिर क्या हो जाएगा सर? आर जो होगा हमारा वो जीरो होगा. आर जीरो हो जाएगा? अगर लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट रुकी हुई है, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा? नहीं. सर अभी तो आपने बोला था सर ए जीरो है तो हमारा आर जीरो है. अगर मूव कर रही है पर एक्सेलरेशन बहुत जीरो जैसा है, तब की बात बता रहे. देख भाई भाई, आर ऊपर जा रहा है, बता रहे थे ना. हाँ हाँ, ये मेरे पास एम जी है. ठीक है, अब मान लिया लिफ्ट रुक गई, यही बोला था ना लिफ्ट रुक गई. अगर तुम्हारे पास लिफ्ट रुक जाएगी तो जरा मुझे एक बात बता भाई, लिफ्ट अगर रुक गई है तो क्या इसमें अब मैं एम ए लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना. जब तक मैंने क्या बोला, जब तक कोई चीज मोशन में नहीं होती है तो जब तक कोई चीज होता है तो ये एम ए इस बार है ही नहीं ना. चलो एक बार लिख लेते हैं. अब मान लो तुमने क्या बोला कि अब ये लिफ्ट मान लो रुकी हुई है,
तो रुकी हुई में मान लो तुमने कुछ भी लिख दिया, वो चाहे वाला केस ले लो चाहे अलग केस ले लो, आर माइनस एम जी कर दिया, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, चली नहीं लिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, तो जरा बताना आर कितना हो जाएगा फिर, आर इक्वल एम जी के इक्वल, तो ये तो हमेशा हमें लगता ही है। अरे जितना राइट नाउ मुझे अपना वेट लग रहा है, अगर मैं लिफ्ट में चढ़ गया और लिफ्ट चली नहीं रही तो मुझे उतना ही तो वेट फील होगा रियल में। नहीं समझ में आया, अगर तुम्हारा वेट अभी राइट नाउ मान लो 60 है और अगर लिफ्ट में तुम चढ़ गए लिफ्ट चल नहीं रही तो तुम्हें कितना वेट फील होगा, 60। बिल्कुल सही, यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया ना, एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं आया उसमें। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर, नो सर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर लेकिन ये आपने फॉर्मूला तो ऊपर वाला लगाया, ये वाला फॉर्मूला तो आपने ऊपर वाले केस वाला लगाया जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तो भाई एक काम कर इसमें लगा के देख लो, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो लगाओ, चलो ये तो नीचे वाला केस है, एक काम करो इसमें लगा के देख लो, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या आया था, तो बात बराबर माइनस एम ए तो जीरो ही हो जाएगा, जी माइनस है नीचे वाले के लिए, राइट? तो अब जरा बताना एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, जीरो, तो तब भी कितना आएगा मेरे पास आर, आर इक्वल्स टू एम जी, तो भाई दोनों केसेस में बात चाहे तुम, अगर तुम्हारी लिफ्ट चल नहीं रही है तो तुम चाहे ऊपर वाला केस लगा लो या नीचे वाला केस लगा लो, एक्सेलरेशन तो हमेशा जीरो ही रहेगा जब लिफ्ट चल नहीं रही है, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, समझ में आया? तो अगर लिफ्ट इज नॉट मूविंग है, वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक इज गिविंग थम्स अप टू मी, वेरी गुड, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गई लगता है कार्तिक क्योंकि ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइंस, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, स्नेहा? तो स्नेहा एक बात बताना, स्नेहा वो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारा वेट बढ़ गया या हमारा वेट कम हो गया, वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं? अच्छा वो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स की वजह से, आर यू श्योर स्नेहा? सही, मैंने दोबारा बोला स्नेहा, एक्सीलरेशन है वो लिफ्ट का, ठीक है स्नेहा, अगर कोई, अगर हम ये देखें कि वो अगर हमारे पास वेट बढ़ गया या कम हो गया तो वो ए ही तो है, लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से ऊपर गया कितने एक्सेलरेशन नीचे आया उसी से तो वेट कम या ज्यादा हो रहा है, राइट? अगर एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट कांस्टेंट से जाएगी और या रुकी हुई है तो फिर तो उतना ही आएगा ना जितना था, नहीं समझ में आ रहा? यस सर, यस सर, आ गया, आ गया, यस स्नेहा, उसी ने बोला, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये आता है कि अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रही है तो बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म मोशन से जाते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, ये कह रहे हो? सोच लो, मुझे नहीं पता। कैसे क्या, तो मेरे हिसाब से तो वही रहेगा, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन से जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही है मेरे पास, नो एक्सेलरेशन, तो मैंने भी बताया ना मेरी लिफ्ट ऐसे चल रही है तो धीरे करके, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है मेरे लिफ्ट में, अगर मेरी लिफ्ट में यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या एक्सेलरेशन कुछ हुआ? सर मतलब सर एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है सर। हां अच्छा ठीक है, इस अकॉर्डिंग बोल रहे हो, शब्दों का जाल बुन रहे हो तो वो अलग बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है, तुम शब्दों का खेल अच्छा करते हो, तो इसी अकॉर्डिंग तो उसमें भी मेरे पास क्या आएगा, तो उसमें उस लिफ्ट में तुम्हें रियल वेट इस देखा, ठीक है, तो अगर लिफ्ट तुम्हारी स्लोली चल रही है तो वहां पे जितना तुम्हारा वेट है वहां तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं आएगी लिफ्ट की, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लिफ्ट में चलने का बहुत शौक होता है, ठीक है तुम लोग तो सोसाइटी में बचपन से ही रहे हो तो तुम्हें इतना शौक नहीं होगा, लेकिन जब मैं था तो हम तो खैर दिल्ली में तो इतना वहाँ पे तो लोगों के घर होते हैं, मेरा भी घर था तो वहाँ पे लिफ्ट उठ के घर में तो कोई को लिफ्ट थोड़ी लगाता है कि भाई दो मंजिल का घर है तो उसमें लिफ्ट क्या लगानी है, ऐसे जाते हैं स्टेयर से, तो लिफ्ट में मुझे जैसे मैं कहीं हॉस्टल में कभी जाता था किसी से मिलने तो मेरे को बार बार मन करता कि मैं लिफ्ट में जाऊँ, जाए कोई भी जाए तो मैं नीचे जाता फिर दोबारा ऊपर आता था फिर नीचे आता था, मेरे को मजा आता था, ठीक है, लेकिन अब जब सोसाइटी में आ गया कि तो मेरा लिफ्ट में जाने का मन नहीं करता, पहली बात तो मैं बड़ा हो गया इसलिए नहीं करता, और ऊपर से अगर मेरा मन करता भी तो वो अगर यूनिफॉर्म अगर नहीं होते तो मैं पक्का जाता कि थोड़ा सा फील होगा, लेकिन सोसाइटीज की लिफ्ट में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन चलता है यार सब कुछ एकदम, ताकि जो बुड्ढे बुड्ढे अंकल जी है उनको चक्कर ना आ जाए
क्योंकि जब तेजी से ऊपर उठती है ना तो कुछ बुढ़े अंकल जी बुढ़ी आंटी जी तो चक्कर आ जाता है किसी को ना अंदर से अजीब फील होता है। हाँ तो इसीलिए तो उस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया हर चीज। अरे भाई ठीक है सबका ध्यान रखो, लेकिन हमारा भी तो ध्यान रखो, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो हमारा भी बनता है, पर ठीक है हमने सबका साथ रखा हुआ है इसलिए तो आपने क्यों नहीं बोला अपनी सोसाइटी वालों को। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो स्नेहा, सर ज्यादा फायदा तो स्नेहा का, स्नेहा तो हवा जो पंखे चलते हैं उसी से उड़ जाती है अंदर अंदर ऐसे से करके। ठीक है भाई, यस किसी कोई डाउट है? नो ठीक है, आज की क्लास खत्म ना? नहीं अभी तो स्टार्टिंग है, आज की क्लास, आज की क्लास, आज की क्लास 3 घंटे की क्लास है आज। ठीक सर, कुछ भी मत बोलिए सर। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो आ लिया होगा सबने, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे, अगर एक ऐसी वॉल है ठीक है और एक बॉल आई है ऐसे टकरा के डोंग और डोंग इस तरीके से, तो पहले बता दे इसे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉल आई है तो बताओ इसके अंदर मोमेंटम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, हुआ है। के अंदर मोमेंटम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? पक्की बात है हुआ है, हुआ है भाई। अच्छा तो वो हम कैसे पता करते हैं हुआ है? सर वो कंपोनेंट होता है ना, कितने कंपोनेंट में, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बात बताई थी तुम लोगों को अगर तुम्हें याद हो। अगर ये ऐसे करके आ रहे, देखो अगर ये इस तरीके से करके आ रहे तो इसके दो कंपोनेंट मेरे पास बन जाते हैं। एक देखो अगर ये ऐसे आ रहा है तो एक कंपोनेंट इसका मैंने क्या बताया था, एक कंपोनेंट तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। ऐसे ये वाला कंपोनेंट नीचे की साइड ऐसे आ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ऐसे, राइट? तो एक कंपोनेंट होगा ऐसे वाला और एक होगा नीचे वाला, राइट? तो एक्चुअली में डायरेक्शन, हाँ ये कार्तिक बताएगा, लास्ट क्लास में बहुत अच्छी बात बोली थी कार्तिक, डायरेक्शन किसकी चेंज हुई है, वर्टिकल की या हॉरिजॉन्टल की? सर अगर हम देखें तो सर सिर्फ हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन। अच्छा और वर्टिकल की क्यों नहीं चेंज हुई है? वो तो नीचे आ गए सर, वर्टिकल इज वर्टिकल, वो नीचे ही जा रहा था पहले से। हाँ वेरी गुड, वो पहले भी नीचे था और अब भी नीचे, तो इसका मतलब अगर मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा ठीक है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे भी मेरे पास इसका इसका क्या बना था याद है, मान लो इसका भी पी है, इसका भी पी है, तो इसका क्या बना था याद है, पी साइन थीटा था या पी कॉस थीटा था? पी साइन थीटा था। अगर थीटा तुम यहाँ से ले रहे हो तो पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो अगर तुम इसका, अगर तुमसे बोला जाएगा वर्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालो तो कितना आएगा वर्टिकल का चेंज इन मोमेंटम, पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, क्या ना इसे पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा लेकिन ना तुमसे बोले कि अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज निकालो तो -2p cos थीटा, यस क्योंकि मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरी गुड चंदन, तो ये मेरे पास जाएगा p cos थीटा माइनस, अब वो भी तो माइनस में ही था राइट, अगर ये p था तो ये माइनस था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का p cos थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तो ये मेरे पास जाएगा 2 cos थीटा, 2p cos थीटा माइनस 2p। अगर तुम इस वाले को माइनस लेके करते हो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, अभी तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली माइनस 2p cos थीटा। ठीक है तो याद रखना, एनी डाउट इन दिस? ये शायद मैंने लास्ट क्लास में तो लोगों को बता दिया था। यस सर। स्नेहा? यस सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि मेरे पास ना जैसे मोमेंटम होता है, क्या तुमने 9th क्लास में कभी कुछ ऐसा सुना है कि मोमेंटम भी आपस में अपने आप में कंजर्व रहता है? याद है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन इट रिमेन कांस्टेंट। यस सर। जैसे मान लो मैंने बताया था एक ट्रक आ रहा है और एक ट्रक आ रहा है ठीक है, मान लो कोई पंजाबी हो चक दे फट्टे एकदम अच्छी चीज भी रखी है उसने ठीक है एकदम अच्छी वाली, और आगे एक वो जा रही है गाड़ी ठीक है, तो उसने एकदम ऐसे ऐसे करते करते एकदम गाड़ी ठोक दी, तो मुझे बताओ गाड़ी ठोकने से पहले ट्रक का कुछ मोमेंटम रहा होगा? हाँ ये है ट्रक इसका। अच्छा ये इसकी मान लो वो है बहुत अच्छी गाड़ी लंबरगिनी सुंदर सी ठीक है, तो ये सर इट इज नॉट लंबरगिनी इट्स लंबरगिनी ठीक है जो भी है शट अप, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं सर लंबरगिनी, हम तो लंबरगिनी बोलेंगे ठीक है। तो ये चलो ये मेरे पास टाटा नैनो है ठीक है, इतना नहीं है टाटा नैनो, तो टाटा नैनो मर्सिडीज है, चलो मर्सिडीज है ठीक है। तो ये गाड़ी है, ये आ रहा है इस तरीके से और ये इस तरीके से जा रही है ठीक है, तो इसने थोड़ा सा अच्छा सा कर रखा है, तो एकदम अब बताओ ये अपने आप में इसका कुछ मोमेंटम रहेगा रहेगा नहीं रहेगा, m1 u1 टकराने से पहले इसका भी रहा होगा कुछ ना कुछ M2 U2। अब इसने क्या करा, इसने टक्कर मार दी इस गाड़ी को बदतमीज ने, अब फाइनली क्या हुआ ये इधर चली गई थोड़ी सी इधर चली गई, तो बताओ अब इनका फाइनल मोमेंट क्या, मास चेंज होगा?
अगर गाड़ी कहीं से टूट जाएगी तो मास चेंज होगा, लेकिन गाड़ी से पिचकी है तो पिचकने से मास चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास M2V2, और ट्रक का मास कितना हो जाएगा M1V2। तो इसका मतलब ये टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड ये टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या रहता है हमेशा इक्वल रहता है। M1V1 नहीं होगा M1 ओ सॉरी 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 हाँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर M1 U1 प्लस का M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस का M2 V2। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट मींस अगर तुम इस पूरे को एक सिस्टम मान लो तुम भगवान हो, तुम ऊपर से देख रहे हो ठीक है, और तुमने ये पूरा सिनेरियो देखा तो तुम्हारे लिए तो ये पूरा एक सिस्टम है, एक दुनिया है। तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये पूरा पूरा मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है ना भाई। ये टोटल तो अपने आप में जैसे मान लो पहले कितना था 100, तो टकराने के बाद भी तो 100 ही रहेगा, शिफ्टिंग हो जाती है बस एनर्जी की। तो इसका मतलब तो भगवान की लैंग्वेज में क्या हो गया कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और एक दूसरा क्या हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यहां तक समझ में आ रहा है स्नेहा कार्तिक के संकल्प? हां जी सर। यस सर। अच्छा तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आई गेस तुम बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुमने 9th क्लास के अंदर भी सीखे थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? एक याद है वो उन्होंने रिकॉइल वेलोसिटी बताया था, जब ऐसे मारते हैं तो जब गोली मारते हैं तो हाथ तुम्हारे पीछे की साइड आता है, मैंने कुछ ऐसा बताया था, कुछ कुछ याद आ रहा हो तो? यस भाई बोलो कुछ यार, तुम तो कुछ बोले। हाँ सर, बंदूक मुंह पे उछल के लग जाती है सर। ठीक है बिल्कुल, हाँ तो वो मुंह पे नहीं शोल्डर पीछे हो जाता है। ठीक है अब बस एक एक क्वेश्चन, उसके बाद तुम जा सकते हो। मान लो तुम्हें बोल रहा है कि एक तुम्हारे पास एलिवेटर है। आज तक माइका कहाँ गई? पता नहीं सर। अच्छा क्या हुआ, तुम आजकल बातें नहीं करते हो क्या उससे? नाराज चल रही हो तुमसे? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आजकल तुम उससे बात नहीं करते हो, इसलिए वो तुमसे नाराज रहते हैं। नहीं सर, वेट हो जाता है सर। सब वेट होता है सर, वेट होता है, वेट नहीं होता है। अरे हाँ ठीक है, चुप हो जाओ ठीक है। ये नई नई टाइप ये नई टाइप की इंग्लिश है, तुम्हें समझ नहीं आएगी ठीक है। तो पर अच्छा कितनी भी आ जाए ये गलत है, ऐसा नहीं है, आजकल चेंज हो गया ट्रेंड। ठीक है इन द सपोर्टिंग चंदन। यस कोई डाउट है अब तक जितना भी करवाया? नहीं सर। अच्छा जरा बताना, जो ऊपर की साइड फोर्स लगता है, मान लो तुम्हारा वेट नीचे लग रहा है तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सर आर नॉर्मल, जो भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। साहिल क्यों नहीं आया? पता नहीं होगा, उसका क्लास होगी शायद, सो रहा होगा। स्वास्तिका से पूछो। स्वास्तिका सर किसने वैसे बोला था? मैंने बोला है। तो शायद वैसे ही बोला ना। हाँ तो अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, 48,000 न्यूटन है ना वो? 48 हाँ वो 48,000 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मेरे पास एलिवेटर है जिसका वेट 4000 केजी का है और वो एक अपवर्ड टेंशन में जा रही है ठीक है। याद है ना वो जो देखो जो तुम जाते हो वो वैष्णो देवी भैरव बाबा का जो होता है वो, अरे हाँ, जो तारों पे चलता है ठीक है। हाँ, तो ये सपोर्टिंग केबल पे जा रहा है और वो हाँ, तो ये मेरे पास 48,000 का न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब कह रहे कि बताओ उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो तुमको बेसिकली फॉरवर्ड अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर उसने तुम्हें एलिवेटर का मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो हमें देख हमारा भी तो मास है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरा मास कितना एक्चुअली में 7, तो फिर मेरा वेट कितना बन जाएगा 7 × 10 मतलब जी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 70, वो तुम्हारा वो वही तो होता है वेट भाई। वेट का मतलब क्या होता है, एमजी होता है ना। यस सर। तो इसका मतलब जो तुम्हें मास दे रखा है, अच्छा वेट ही दे रखा है, ओ सॉरी वेट तो दिया रखा है, अच्छा अच्छा वेट ही दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो तुम्हें वेट ही अगर उसने दे रखा है फिर तो अच्छी बात है। तो अगर उसने तुम्हें अगर वेट ही दे रखा है 4000 kg, अच्छा देखो एक सेकेंड यहाँ पे ना एक्चुअली शब्दों का खेल है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये mg है, m का किस में लेते हैं, kg में लेते हैं, और ये ग्रेविटी का लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसका मतलब वो टोटल कितना बनता है न्यूटन, तो वो वेट कहलाता है। उन्होंने नाम तो वेट दिया है लेकिन उन्होंने यूनिट केजी दिया है, तो ये एक्चुअली में अपने आप में वेट दे रखा है या मास दे रखा है, रियल मास दे रखा है। यूनिट से यूनिट मेन होती है, गिव प्रेफरेंस टू यूनिट। तो इसका मतलब अगर मुझे उसका रियल वेट निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेट
4000 इनटू में 10 तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 40000 न्यूटन कैन आई से क्योंकि वेट वेट का मतलब फोर्स होता है ना. एक दिन कार्तिक ने पूछा था कि सर वेट फोर्स कैसे हो सकता है. भाई फोर्स अगर तुम किसी के ऊपर धक्का मारोगे कि उछल रहे हो अपने फ्लैट के ऊपर तो तुम एक फोर्स ही तो लगा रहे हो नीचे जमीन पे तो वो न्यूटन ही तो होगा. एम आई राइट एवरीबडी? नहीं आया समझ में? ठीक है. अभी अब इसका मतलब अब जैसे मान लो ये वायर है और ये इसके अंदर तुम लोग बैठे हो सारे के सारे बच्चे. ठीक है मान लो तुम कहाँ पे जा रहे हो? वहां पे जा रहे हो भैरव बाबा के दर्शन करने. वैष्णो देवी कर लिए. ठीक है अब तुम यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हो तो तुम्हारा ही टोटल वेट के नीचे की साइड कितना लग रहा है? 40,000 न्यूटन. 40,000 न्यूटन. अच्छा लेकिन ये कह रहा है कि सपोर्टिंग केबल जो है वो सपोर्टिंग केबल कितने की है? ऊपर की साइड है अपवर्ड टेंशन. तो ये जो सपोर्टिंग देखो ये जो रस्सी है ये वाली ये इससे अटैच है ना. अरे भाई ये ऐसी है और ये ऐसे है मान लो ट्रॉली. तो ये वाला कितने का लग रहा है? इस पे इसका जो वजन है इस रस्सी का जो टेंशन है इस रस्सी की जो टेंशन है वो है 48,000 और ये तुम्हारे जो है ये नीचे की साइड है ये कितना है मेरे पास 40,000. तो जरा बताना क्या तुम नीचे गिरोगे कभी? नहीं. क्या तुम्हारे तुम्हारे नीचे गिरने के चांस है? नहीं है. क्योंकि वो जब तक हाँ जब तक 48,000 तुम ज्यादा का नहीं करोगे तुम नीचे नहीं गिर सकते. एम आई राइट? अच्छा तो ये कह रहा है नेट अपवर्ड फोर्स बताना है हमें. अच्छा मुझे एक बात बताओ अभी नेट अब ये ऊपर के अब बताओ भैरव बाबा मंदिर ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है? ऊपर की साइड है. तो तुम इस तरीके से आगे इस ट्रॉली से ऐसे ऊपर की साइड आगे जाएगी ट्रॉली. तो जब ये ट्रॉली ऐसे ऊपर की साइड जाएगी तो अब ऊपर खींचने के लिए तो कुछ फोर्स चाहिए होता है. तो एक तो तुम्हारा वेट और तुमने देखा होगा जब तुम वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हो तो थक जाते हैं सांस फूल जाती है. क्यों? क्योंकि तुम अपने वेट को ऊपर लेके जा रहे हो स्लोप पर. समझ में आया? एक है नॉर्मल उसमें नहीं थकते इतना. ऊपर ले जाने में हमारी जान निकल जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पे कंडीशंस लगती हैं अलग अलग. अब वो क्या है तो यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चंस में आ गया इतना? अब बताओ अगर ये ऊपर की साइड जा रहे तो बताओ मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो अगर मोशन हो रहा है तो क्या मैं उसे एम ए ले सकता हूँ या मैं उसे फोर्स बोल सकता हूँ? ऊपर की साइड लेके जा रहे हो. अच्छा जरा बताओ ज्यादा कौन सा वाला लिया जाएगा? ऊपर की साइड ले जाने के लिए कर रहे हैं ना तो एक तरह से ज्यादा कौन सा है? तुम आर ज्यादा होगा. हाँ कैन आई से 48,000 न्यूटन? भाई कितने फोर्स से वो एक्चुअली में लेके जा रहा होगा तो 48,000 मेरा ये है. और नीचे की साइड क्या है मेरे पास? 40,000. भाई एक्चुअली में पता है मैं क्या कर रहा हूँ? वो रस्सी 48,000 ऊपर की साइड टेंशन लगा रही है और तुम्हारा वेट नीचे की साइड आ रहा है 40 का. तो ओवरऑल अब मास कितने का बचा उसमें? कितना लग रहा है? 8,000 ना. जैसे मुझे कोई यहाँ से 48,000 से खींच रहा है इधर 40,000 मतलब 40,000 से खींच रहा है तो जरा बताना एक्चुअली में मेरे पास कितना बचा फिर? 8,000 बचा ना एवरीबॉडी. एम आई राइट? तो इसका मतलब उसका जो फोर्स हो गया वो मेरे पास क्या बचा एक तरह से 8,000 बचा. ठीक है ये फोर्स है मेरे पास 8,000. अच्छा अब जरा मुझे एक बार बताओ अब अगर मैंने इतना ही फोर्स निकाल लिया 8,000 तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना एक बार. ma = एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है? बस कहना इसे f = ma. f = ma होता है तो a क्या हो जाएगा? f/m हो जाएगा. हां अच्छा जरा बताना फोर्स अभी तुमने कितना निकाल लिया? 8,000. अच्छा मास कितने का था? 4,000 के. एलिवेटर का मास कितने का था? 4,000. तो जरा बताना इसका मतलब वो कितने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही होगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वो जा रही होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से. मतलब इतना एक्सेलरेशन वहां पे लग रहा है. भाई विदाउट एक्सेलरेशन क्या तुम ऊपर जा पाओगे? नहीं नहीं जा पाते यार. वो ऐसी रस्सी है ना एकदम एक्सेलरेशन से तभी तो वो आगे की साइड बढ़ पाएगा. ठीक है तो ये बस यहाँ पे ये निकालना था कि फोर्स कितना लग रहा है. तुम्हारा वेट यहाँ पे वाला फोर्स है ऊपर की साइड ये वाला फोर्स है तो नेट फोर्स कितने का बना? नेट तो नेट फोर्स बना 8,000 का. मास तुम्हें दे रखा है तो बस निकल गया. ठीक है भाई इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमें दो फोर्स दे रखे थे एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर है तो तुमने टोटल नेट फोर्स निकाल लिया. फोर्स का मतलब क्या होता है? f = ma. m तुम्हें दे रखा है नेट फोर्स में निकाल लिया तो f/m क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा. यही तो इसने पूछा था. एम आई राइट एवरीबॉडी? आस्था कार्तिकेय चंदन यस सर यस सर नेहा तो बस. और ये कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सर उसने फोर्स कर दिया था उसने तो वेट दिया था. अरे तो भाई मैंने कितनी बार बोला है वेट इज ऑल्सो अ फोर्स. उसने ये वाला जो वेट दिया है तुम्हें जो कि नीचे की साइड लग रहा है वो इनडायरेक्टली दिया है वो उसने वेट करके दिया है. मैं बहुत बार बोल रहा हूँ वेट इज अ फोर्स.
मास इज नॉट अ फोर्स, तो उसने और ऊपर का फोर्स ने दे रखा है 48 का, तो ऊपर ऊपर ये है नीचे ये है, नेट निकल के आएगा, एफ इज इक्वल टू एम लगा तो बात खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर दूसरी क्लास है? नहीं नहीं आज नहीं है।